पिछली स्टोरी में आपने महाबली लंगूरा के बारे में पढ़ा, उनकी जो फर्स्ट सीरीज थी। अब सेकेंड स्टोरी में मैं उसके आगे की स्टोरी आपको बताऊंगा, किस प्रकार से लंगूरा पिशाचिनी डैन से ओवरकम हो पाता है, जीत पाता है। डीडी पोखरियाल, चित्र अरविंद मांकड़, संपादक दीपक जैन। मैं उस लंगूरे के बच्चे को कच्चा चबा जाऊंगी, उसका खून पीकर ही दम लूंगी, वरना पानी भी नहीं पीऊंगी। पिछले अंक में आपने पढ़ा कि महाबली लंगूरा ने खतरनाक कटीला को ख़त्म करके आदिवासियों को उस मुसीबत से छुटकारा दिलाया। वनदेवी का लंगूरा को वरदान है कि जब भी लंगूरा जैसा अस्त्र शस्त्र मांगेगा, वनदेवी उसे प्रदान करेंगे। लेकिन कटीला की मौत की नाद पिशाचिनी डायन गुस्से में अपने आप पर काबू नहीं रख पा रही थी। जरा होश से काम लेना माँ, जोश से नहीं, जहरीली मेरे सीने पर सांप लौट रहे। और तू होश की बात कर रही है? मामा की मौत के प्रतिशोध की आग मेरे भी दिल में जल रही है, लेकिन क्या, मामा जैसे शक्तिशाली को ख़त्म करने वाला कोई साधारण नहीं है। मैं कुछ सोच समझ कर ही करना चाहिए। मैं पिशाचिनी डायन हूँ, मेरे सामने वो चूहा है चूहा, पर पहले इस जादुई शीशे में देख ले वो कहाँ है। फिर उसने जादुई शीशे से पूछा, छू मंत्र टुम टुम लंगूरा को दिखा। फिर जादुई शीशे में धुआं उठने लगा, हम तो ये है वो चूहा, छू मंत्र टुम टुम, बताइए कहाँ जा रहा है? कटीला की मौत की खुशी में आदिवासियों ने उत्सव मनाया है, ये वहीं जा रहा है। पिशाचिनी डायन गुस्से में तिल मिलाई, वो वहाँ कभी नहीं पहुँच पाएगा, मगर कैसे? मैं कलिया मसान के प्रकट करूंगा, वह लंगूरा को खत्म कर देगा। नहीं, वह लंगूरा को जिंदा मेरे सामने पकड़ कर लाएगा और मैं उसका खून पीऊंगी। और फिर पिशाचिनी डायन अपने पिशाच सिद्धि में लग गई, झा टम 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 टम, पिशाच पिशाच, कालिया मसान प्रकट हो स्वाहा। तभी पिशाच की मूर्ति से आवाज़ आई, पिशाचिनी डायन कालिया मसान को जगाने के लिए मंत्रों के साथ पिशाच नेत्री करो। फिर पिशाचिनी डायन हवन कुंड के सामने नाचने लगेगी, टुमस टुमस छू फू, तिकड़म पिकड़म, कालिया मसान जाग जाग। तभी पिशाच की मूर्ति ने दूसरी आवाज़ दी, सावधान, कालिया मसान जागने वाला है। तभी आग के लपटों के बीच पता हुआ कालिया मसान, हा 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 हा, जय पिशाच की जय, कालिया मसान की जय। हवन कुंड से बाहर आकर हम प्रसन्न हुए, बोल कालिया मसान को कैसे याद किया? एक चूहा अपने आप को महाबली कहता है, उसने कटीला को पकड़ डाला है, उसको पकड़ कर जिंदा लाना है। उसका नाम क्या है? महाबली लंगूरा। वो कहाँ रहता है? उसका कोई पता ठिकाना नहीं है, इस वक्त कहाँ मिलेगा? आदिवासियों के उत्सव में शामिल होने जा रहा है, तू चिंता मत कर, मैं अभी गया और उसे लेकर अभी आया। एक बात को याद रखना कालिया मसान, मुझे लंगूरा जिंदा चाहिए अवश्य। कालिया मसान गायब हो गया, माँ कालिया मसान तो फौरन गायब हो जाता है और प्रकट हो जाता है। जहरीली कालिया मसान जब चाहे जैसा चाहे वैसा पहुँच सकता है। इधर तलहटी में झिंगुर और मुंगेर वासियाँ कटीला की मौत पर उत्सव मना रहे थे, हैया हो ठम ठम, पाजा हो गिली गिली, ताशा हो। उधर लंगूरा बड़े वेग से उड़ रहा था, मुझे उनके उत्सव में जल्द पहुँचना चाहिए। फिर लंगूरा नीचे उतरा, महाबली लंगूरा अब हमें कोई खतरा नहीं है, मेरे जय जयकार मत मनाओ और अपना उत्सव मनाओ। भैया महाबली, यह उत्सव ही आपकी देन है। महाबली आप हम आदिवासियों पर बहुत बड़ा एहसान है। महाबली लंगूरा किसी पर कोई एहसान नहीं करता, हर काम अपना फ़र्ज समझकर करता है। और एक बात, जब भी कोई मुसीबत का मारा जहाँ से भी मुझे पुकारेगा, मैं उसी सहायता के लिए ज़रूर पहुँचूँगा। महाबली अब तो हमारे लिए कोई मुसीबत नहीं है, नहीं अब कोई मुसीबत नहीं है। तभी वातावरण में भयानक ठहाके के समान आवाज़ गूंजी और सब भयभीत हो गए, हा हा हा, कैसा बेवकूफ़ बना रहा है लंगूरा तुम्हें, हा हा हा। महाबली लंगूरा ये किसकी आवाज़ है? फिर खतरा लगता है, महाबली लंगूरा को तुम्हें कोई खतरा नहीं है। फिर आवाज़ उभरी, खतरे से तो तुम घिर चुके हो लंगूरा, कौन हो तुम, सामने आओ, ऐसी जल्दी किया है, सामने भी आ जाऊँगा। महाबली लंगूरा एक वीर है, उसे कायरता पसंद नहीं है, हा 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 हा, इस खोखली बातों से ये लोग आ सकते हैं, मैं नहीं, इतना ही बलवान है तो सामने आकर मुकाबला कर। सामने आने से पहले मैं तुम्हें अपना परिचय तो दे दूँ। कैसा परिचय? फिर एक भयानक सा तूफान आ गया, बचाओ लंगूरा बचाओ, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तूफान थम जाने के बाद फिर आवाज़ उभरी, क्यों लंगूरा आया मजा? लंगूरा के लिए मामूली बात है, लंगूरा घीघड़ भभकियों से नहीं डरने वाला है। और फिर एक और नमूना देख,
तू चाहे सारे नमूने दिखा ले, फिर भी तू किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर शोलों की बारिश शुरू हो गई, जंगल जलने लगा, लोग जलने लगे। मुझे फ़ौरन कुछ करना चाहिए। आह, बचाओ बचाओ। फिर लंगूरा हाथ जोड़कर वनदेवी से विनती की, और देखते देखते लंगूरा के हाथ में धनुष और हाथ में बाण आ गया। लंगूरा ने आकाश की तरफ निशाना साधकर कई बार छोड़ा, बाल आकाश में जाकर टकराया, कड़ाक सर, और मूसलाधार वर्षा होने लगी। देखते देखते शोले शांत हो गए। महाबली लंगूरा की जय। क्यों, क्या कोई अभी नमूना बाकी है? महाबली वो तो बोल ही नहीं रहा, हाँ शायद डर गया। तभी, कौन हो तुम? कालिया मसान। मैं हूँ कालिया मसान। अरे सुनो, कहाँ जा रहे? भागो भागो। लंगूरा अब ये रुकने वाले नहीं है, तेरी भूल है कालिया मसान, मैं सब कुछ जानता हूँ। लंगूरा तुझे अपनी ताकत पर बहुत घमंड है, पर तू नहीं, मैं जानता है। क्या जानता है? तू पिशाचनी डायन का सिद्ध कालिया मसान और मुझे चिंता पकड़ कर ले जाने आया है। वो देख मैं तुझे कैसे पकड़ कर ले जाता हूँ। कालिया मसान ने लंगूरा पर जादुई रस्सी फेंकी, सर सर। फिर देखते देखते लंगूरा पंख सहित रस्सी में बंध गया। हाँ, लंगूरा अब तू बच नहीं सकता, ये जादुई रस्सी है। लंगूरा ने रस्सी तोड़ने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन विफल रहा। लंगूरा अपनी जगह पर इतनी तेज़ी से घूम रहा कि गड्ढा हो गया। ये जादुई रस्सी टूटती नहीं है, उड़ भी नहीं सकती, पंख भी बंद गए, ताकत संगठित नहीं होती, मुझे घूमना चाहिए। सूं 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 सूं, लंगूरा ने उछल कर रस्सी तोड़ दी। जय वन देवी, वन देवी मेरी तलवार दो। दोनों के अस्त्र, तभी कालियों के हाथों में खड़क प्रकट हुई। दोनों के शस्त्र एक तरफ जाके गिरे, खन खन, धाड़, टांग। लंगूरा मैं तुझे ख़त्म तो नहीं करूँगा, मगर अधमरा जरूर कर दूँगा। धाड़ और खड़ग उछलता हवा में टकराया। लंगूरा ने उछल कर खड़ग हवा में ही पकड़ लिया। देख कालिया मसान, ये तेरा खड़ग ही तुझे समाप्त करेगा। हा 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 हा। लेकिन कालिया मसान फिर अदृश्य हो गया। कालिया मसान छुप छुप कर वार करता है, कहता है सामने आ। और फिर कालिया मसान लंगूरा की नज़रों से अदृश्य नहीं हो सका। कालिया मसान, तुम अब मेरी नज़रों से अदृश्य नहीं रह सकते। लंगूरा, फिर मैं तुझे बांध कर जरूर ले जाऊंगा। लंगूरा हवा में उछलता और कालिया मसान का सर काटते हुए निकला, खचाक। कटा हुआ सर हवा में लहरा कर और तेज़ी से ठाक लगाने लगता है, फिर जाकर जुड़ जाता है। लंगूरा चकित हो जाता है, ये क्या, ये तो फिर जुड़ गया, ऐसे तो ये ख़त्म नहीं होगा। लंगूरा, मुझे कोई मार नहीं सकता। हा 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 हा। लंगूरा सोच में पड़ जाता है। हवन कुंड से पैदा ये पिशाच सिद्ध कालिया मसान है, आग में जल नहीं सकता, कैसे मर नहीं सकता, क्या करूं? फिर सोच में पड़ गया लंगूरा, अगर इसका सर काटने पर धड़ से न मिलने दिया जाए तो ये हमेशा के लिए निष्क्रिय हो जाएगा। फिर लंगूरा ने बड़ी तेज़ी से खड़ग उसकी गर्दन पर भेजा और कालिया मसान का सिर धड़ से अलग हो गया। सर कटकर जैसे ही हवा में लहराया, लंगूरा उसकी ओर लपका, खच, और लंगूरा कटे हुए सर को पकड़कर आकाश की ओर उड़ा, खच। सर कट के जैसे ही हवा में लहराया, लंगूरा उसकी ओर लपका और लंगूरा कटे हुए सर को पकड़कर आकाश की ओर उड़ा और पहाड़ी की ओर उड़ता ही चला गया। पहाड़ी की चोटी पहुंचने पर, इस खोपड़ी को मुझे नीचे दबा देना चाहिए। फिर लंगूरा ने अपने हाथ से गड्ढा खोदा और लंगूरा की खोपड़ी उसमें दबा दी। फिर लंगूरा ने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाया, पत्थर गड्ढे के ऊपर रख दिया और अपनी अब हमेशा के लिए कालिया मसान निष्क्रिय ही रहेगा। इधर अपनी गुफा पिशाचनी डायन बेचैन थी। अभी तक कालिया मसान लंगूरा को लेके नहीं आया। मेरा गला प्यास से सूख रहा, तो फिर पानी पी ले माँ। नहीं, मैंने कसम खाई है, मैं पहले लंगूरा को खून पीऊँगी और फिर पानी पीऊँगी। तो ये जादुई शीशा किस मर्च की दवा है? मैं देखता हूँ कालिया मसान लंगूरा को कहाँ तक ले आया है। फिर पिशाचनी डायन जादुई शीशे के सामने बोली, छू मंतर टुमटा कालिया मसान और लंगूरा को दिखा। जादुई शीशे में धुआं सा उठने लगा और एक तरफ झाड़ियों में फेंक दिया। वो सारा दृश्य उसके सामने दिखाई देने लगा। इधर शीशे में देखकर पिशाचनी डायन चिल्ला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ माँ? लंगूरा, तूने पिशाचनी डायन की शक्ति नहीं देखती, मेरा विशाल रूप नहीं देखा, आखिर हुआ क्या है, मुझे भी तो बता।
लंगूरा कालिया मसान का कुछ नहीं कर पाया, लंगूरा का कालिया मसान कुछ नहीं कर पाया। तो क्या लंगूरा ने कालिया मसान को ख़त्म कर दिया? नहीं, ख़त्म नहीं किया, निष्क्रिय कर दिया। मैं समझी नहीं। उसने कालिया मसान के सर धड़ अलग से कर कर झाड़ियों में फेंक दिया और सर कहीं छिपा दिया। उससे क्या होगा? अगर धड़ को पशु पक्षी खा गए तो फिर कोई भी कालिया मसान प्रकट नहीं होगा। फिर हमें फ़ौरन धड़ को बचाना चाहिए। नहीं, तू यही रह। मैं लंगूरा खून पीकर कालिया मसान को फिर से प्रकट करूँगी। लंगूरा, मैं तेरा वो हाल करूँगी, आज के बाद जंगलों का कोई शहंशाह ही नहीं होगा। फिर पिशाचिनी डायन ने अपना विशाल रूप बनाया। हा 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 हा, गुफा से बाहर आकर दहाड़ी। लंगूरा, मैं तेरी मौत आ रहा हूँ। इधर लंगूरा, ये शाखाएँ थी, जड़ तो अभी जिंदा है। इस वन की शांति के लिए उसे ख़त्म करना ज़रूरी है। उसने एक ही कदम बढ़ाया था कि पिशाचिनी डायन उसके सामने कूद गई। ओह, तो तू खुद ही आ गई, बचकर कहाँ जाएगा? फिर लंगूरा ने ध्यान किया। जय वनदेवी, ये बहुत ही दुष्ट है, इसलिए सारे अस्त्र शस्त्र दे दो। फिर लंगूरा सारे अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो गया। लंगूरा के बच्चे, तू कुछ भी कर ले, तूने मेरा इतना खून जलाया है, मैं तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। देख तेरा गला कैसे काटती हूँ। छू फू घातक, जा। फिर घूमता लाल घातक संगूरा की ओर बढ़ा। उसे देख लंगूरा के भी ऐसे ही घातक फेंका। भराम, लंगूरा अब तू नहीं बचेगा। और देखते ही देखते महाबली लंगूरा को चार भूतों ने घेर लिया। भूतों, इसका चूरमा बना दो। लंगूरा उस पर बुरी तरह टूट पड़ा। ढिशूम धड़ाक, लंगूरा लड़ते लड़ते पस्त हो गया, मगर भूतों का कुछ नहीं बिगड़ा। ये डायन का माया चक्र लगता है। फिर लंगूरा ने अगली बार छोड़ा, जानते हुए धमाके के साथ भूत राख हो गए। कड़क कड़क तड़क वज्र बिजली आया, फिर भयानक वज्र बिजली प्रकट हुई। कड़ा लड़ा लड़ा, जा लंगूरा को भस्म कर दे। बिजली लंगूरा की तरफ बढ़ी। ओह, क्या करूँ, इसका तो मेरे पास कोई काठी नहीं है। ओह, यह तो मेरे पीछे आ रही है। आकाश में आगे आगे लंगूरा, पीछे पीछे वज्र बिजली की ओर पिशाचिनी डायन, उनके पीछे थी। आह, लंगूरा वज्र बिजली जब तक वापस नहीं लौटती तब तक जलाकर राख न कर दे। जैसे जैसे लंगूरा ने रफ्तार बढ़ाई, वज्र बिजली की भी रफ्तार बढ़ गई। छू फू वज्र बिजली जम कर दे। याद आया, मुझे समुद्र में कूद जाना चाहिए। लंगूरा बड़ी तीव्र गति से समुद्र की ओर उतरा, और फिर लंगूरा ने समुद्र में छड़ा लगा दी। छपाक, और वज्र बिजली समुद्र में गिरकर खत्म हो गई। फुस, पिशाचिनी डायन खिसिया कर गुरे। लंगूरा बाहर आ। लंगूरा बड़ी तेजी से समुद्र से बाहर निकला, कुछ दूरी पर उसके सामने कूदा। अब देख तुझे कैसे मजा सकाता हूँ। लंगूरा ने पिशाचिनी डायन पर वाणों की वर्षा कर दी। पिशाचिनी डायन, तेरा शरीर छलनी कर दूंगा। सक सक, साढ़े बाण पिशाचिनी डायन आर पार हो गए। हा हा हा, और फिर अरे यह तो पहले वाले रूप में आ गई। लंगूरा, तेरे अस्त्र शस्त्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तक तूने कई कमाल दिखाए, अब देख मेरा कमाल। पिशाचिनी डायन ने आकार बढ़ाना शुरू किया, इस खौफनाक शक्ल में परिवर्तित हो गई और अपना विशाल रूप बढ़ाया। छू छू छू, मेरा नाम है पिशाचिनी डायन लंगूरा। बाप रे बाप, यह तो वाकई मायावी तांत्रिक है। डायन ने लंगूरा को ऊपर उठाया और जमीन पर पटका। धप, फिर घुमाया और दूर हवा में उछाल दिया। लंगूरा शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने आके गिरा और शिव के त्रिशूल को देखकर मिल गया। यह शिव त्रिशूल ही दुनिया में एकमात्र अस्त्र है जो पिशाचिनी डायन को खत्म कर सकता है। शिव त्रिशूल को लेकर डायन की ओर उड़ा। जय बोले बाबा की, जय वन देवी की। डायन के सीने पर ऐसा त्रिशूल गड़ा कि आर पार हो गया। खच, फिर लंगूरा ने मृत पिशाचिनी डायन को समुद्र में फेंक दिया। पिशाचिनी डायन के मरते ही इधर गुफा में जादुई शीशा टूट गया, पिशाच की मूर्ति में आग लग गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ पिशाचिनी डायन को कोई नहीं मार सकता। तभी जलता हुआ पिशाच गिरा और आवाज़ निकली, मैं मर गई, वो मर गई है, उसके साथ ही हम सब भी मर गए हैं। कसम है मुझे अपनी माँ की, मैं करूँगी लंगूरा को ख़त्म। कहर बनकर छा जाऊँगी दुनिया भर के जंगलों पर, मिटा दूँगी, रख दूँगी लंगूरा की दुनिया को। क्या जहरीली कार से बचकर रोक पाई? क्या लंगूरा उसे रोक पाया? अंजाम के लिए क्या हुआ, ये जानने के लिए पढ़े लंगूरा सीरीज का दिल दाना दौला आगामी कॉमिक्स। महाबली लंगूरा और जहरीली। दोस्तों, वीडियो को कृपया लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करना ना भूलें।